अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सबों को मालूम है, कल दिनांक 9 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला संविधान पीठ द्वारा सुनवाई पूरी की गई है, उसका फैसला आने वाला है। ऐसे हालात में फैसला कुछ भी हो सकता है, किसी के भी हक में हो सकता है। फैसला जो भी हो, उसमें किसी को भी अपनी हार या जीत नहीं समझना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको सबको मानना चाहिए। देश के कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। इसी में हम सबों की भलाई है। मेरे सोशल मीडिया के साथियों से और दूसरे नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप अपने अगल बगल के हालात पर नजर रखें। कहीं भी कोई आप सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करें। कहीं भी लोग अफवाह ये कर रहे हैं तो उनको जो है समझाएं, और जो है इस तरह से देश में जो है अमन शांति बनाने का काम करें। इसी में हम सबों की भलाई है, बेहतरी है। फिर से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग हर हाल में जो है अमन और शांति बनाए रखें। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मुजाहिद आलम, एमएलए कोचाधाम।